मोस्ट इम्पॉटेंट टॉपिक इन नैनी एग्जामिनेशन, वेदर इट इज जेके एस एस भी आ रहा अदर एग्जाम तो नाउ वी आर डिस्कसिंग सम इम्पॉर्टेंट एम सी कैज ऑन इंडियन इकोनॉमी. वाट ऑप्शन डज द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट इंक्लूड इन द डिवलपमेंट एक्सपेंडिचर इनमें से कौन सी ऑप्शन है जो डिवलपमेंट एक्सपेंडिचर में यूज़ नहीं करती सेंट्रल गवर्नमेंट वो है डिफेंस एक्सपेंडिचर देखिए जो डिफेंस के लिए खर्चा करती है सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डिवलपमेंट एक्सपेंडिचर में नहीं इंक्लूड किया जाता

ट इज़ द मेन कॉज ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लस एक्सपोर्ट सरप्लस का सबसे बड़ा कारण क्या रहता है तो डिवलपमेंट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट सबसे बड़ा फैक्टर रहता है कभी भी एक्सपोर्ट के सरप्लस के लिए देन क्वेश्चन आता है आपका इफ आर बी आई रिड्यूज़ द कैश रिजर्व अगर आर बी आई कैश रिजर्व को रिड्यूज कर दे वट विल हैपन टू द क्रेडिट क्रिएशन तो क्रेडिट क्रिएशन को इस पर क्या असर होगा तो इसका असर ये होगा कि क्रेडिट क्रिएशन जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा देन आता है आपका क्वेश्चन विच ऑप्शन इज नॉट मैंशन इन ए फर्म बैलेंस शीट इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है फर्म एक फर्म की बैलेंस शीट में मेंशन uh, नहीं होता तो वह आपका रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ कंपनी प्रोडक्ट जो कंपनी के प्रोडक्ट से सेल होगी उसको फर्म बैलेंस शीट में मैंशन नहीं किया जाएगा देन विच

वो आपके डायरेक्टली एसोसिएट होते हैं दोस्तों तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ देन क्वेश्चन है द फर्स्ट फर्स्ट कंप्लीट इंडियन बैंक वाज इस्टिश इन विच ईयर पहला हिंदुस्तानी कंप्लीट बैंक जो कौन से साल में बनाया गया तो वो था एटीन में तो ये आपका इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज थे कुछ इंडियन इकोनॉमी पे नेक्स्ट हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे किसी एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे तो आपको जिस पे चाहिए आप लोग भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं